एंड वेलकम सबको आज के नए ब्लॉग पे। आज अभी मैं हूँ ऋषिकेश, अभी इधर से निकलेंगे और ऋषिकेश में ये एक दो प्लेस है घूमते, फिर हम लोग आज ही निकल जाएंगे। और हरिद्वार पर ऐसा कोई प्लेस है नहीं रुकने के, सिर्फ मंदिर एक दो, और वो तभी आएंगे जब केदारनाथ आएंगे तब। अभी तो यहाँ से सुबह 11 बज चुके हैं और खाना बना, आज चावल बनाया था, चावल खा के और बाइक में सब कुछ पैकिंग करते हैं, सब कुछ पैकिंग करके अभी निकल रहे हैं। और अभी ज़्यादा 400 किलोमीटर के ऊपर जाना है, यही ट्राई करेंगे इसलिए। और अभी ज़्यादा देर ना करते हैं, खाना बना सब कर लिया और दोपहर खाना भी बना लिया, जिससे कि रुकना नहीं पड़ा, डायरेक्ट 9 बजे तक बाइक चलाएंगे लगातार। अभी चलो बाइक में चलते डायरेक्ट। आखिरकार ऋषिकेश पार कर लिया और इतना जाम था, मुझे 1 घंटा लग गया सिर्फ ऋषिकेश से इधर आने में, सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास आने में सिर्फ मुझे 1 घंटा लग गया, इतना ज़्यादा जाम, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जाम। उधर से 2 ब्रिज था, राम ब्रिज शायद नाम था और लक्ष्मण ब्रिज था, बट उधर जाओगे ऐसे इतना जाम था। फिर हम लोग फिर उधर से सीधा तरह फिर थोड़ा दूर आके चेक किया, देखा मैंने पीछे थोड़ा और इतना जाम है कि पीछे जाओ तो फिर इसलिए उधर से तो निकल गए। अभी हरिद्वार डायरेक्ट जा रहे हैं और इधर और कुछ है ही नहीं, एक दो मंदिर है बट 2-3 दिनों से आया नहीं है, अभी मंदिर तो जा नहीं सकते। और एक मूर्ति देखा और गंगा नदी है और शिव जी का इतना बड़ा मूर्ति देखो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। और इधर रुकना नहीं है, इधर रोक नहीं सकते रास्ते के साइड में, इधर रोकना मना है और रोकने के लिए कोई प्लेस है ही नहीं रखने के लिए, आगे जाके फिर उधर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा अगर आना है तो उधर। और रहा राम ब्रिज, आप लोग देख सकते हो, अगर रहा और जो नदी दिख रहा हो इधर से इस तरफ दोनों ही गंगा नदी है। 1500 किलोमीटर जाना है और कोई अच्छा प्लेस घूमने को नहीं मिलेगा, सिर्फ चलते रहना और बाइक को रेस देना, फिर से चलते रहना फिर बाइक को रेस देना, ऐसा चलते रहेगा। और यहाँ पर भी एक मंदिर है और अंग लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे से, गंगा माता का मंदिर। यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत सारा मंदिर है, बहुत ज़्यादा मतलब मंदिर है, ये और एक मंदिर और उधर एक मंदिर, ये और एक मंदिर, बहुत ज़्यादा मंदिर है इधर। जो लोग बहुत ज़्यादा भक्त है शिव जी का वो लोग तो, उन लोगों को तो इधर आना ही चाहिए। आखिरकार सही रास्ते पे आ गए और जो ब्रिज था वो ब्रिज से मेरे को आना पड़ा और मेरे को इसके लिए 6 से 5 से 6 किलोमीटर यू टर्न लेके आना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा दूर। और इधर इतने ज़्यादा हवा चल रहा है, कहीं पे रुको तब भी हवा, अभी तो रोड तो मीडियम है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बुरा नहीं है, क्योंकि रास्ते का कम चल रहा है, किसी एक साइड में कभी कभी अच्छा चलता है तो एक साइड में कम हो गया, दूसरी तरफ नहीं हुआ, ऐसा ही थोड़ी देर बाद जाएंगे, इस तरफ से नहीं होगा उस तरफ से चल देंगे, ऐसा चल रहा है, फिर भी 70 के आसपास चला रहे हैं, जिससे कि जाम हो तब भी 60 तक मैनेज हो जाए। अभी 50 सीधा जा रहे, अबे
थैंक यू। देखते देखते ये चीज़ गिर गया, अचानक से मेरे को लगा कि कुछ गिर गया। आवाज़ नहीं सुना था बट फिर भी लगा था सिर्फ। अबे यार इतना साइड से ऐसे कौन देता है, हट गए, पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया। अभी तो इसको पहले तो पीछे लगा लेते हैं बैग में। चलो सही टाइम में मैंने अंदाजा लगाया था। अबे यार रोका मैंने, रोकते रोकते एक साइड में अबे इस शहर में ज्यादा ऊंचा है। हाँ हाँ रुका था और बार इस शहर में रुक ही नहीं रहा। हाँ इसको लगाने के लिए रुका और नहीं 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 गिरा, मैंने मतलब एक गिर गया था, अभी इसको लगाने के लिए रुका, स्टैंड करके इस तरफ आया बैग वाइक और अचानक गिर गया। इस उस साइड में ज़्यादा इस साइड में ढलान है ना, इसके वजह से और एक गिर गया उधर गड्ढे में। मैं तो ठीक ही हूँ। हाँ इस साइड में ज़्यादा ढलान था, क्या कहे, इधर रुका, इतना ज़्यादा ढलान था बाइक ऑटोमेटिकली, मैंने तो पूरा छोड़ दिया था, छोड़ के उस तरफ चला गया और एक बार बाइक पूरी तरह से उस तरफ चले जाए अभी स्टार्ट भी नहीं होगा, गिर गया है, क्या कहे बोलो, किस्मत ही खराब है मेरा। अभी गन्ने का थोड़ा जूस पी लेते, पहले देखते हैं कैसे लगते हैं, इधर का लोकल गन्ना है और इधर चारों तरफ देखते हैं गन्ना का बहुत ज़्यादा पेड़ दिखा और इसलिए सोचा लोकल गन्ना कैसे लगता है, गन्ना बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत कुछ मिला भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हल्का नमक दिया है, काला में काला नमक, बहुत ही मीठा है। चलो खाते हैं, थोड़ा बाइक धो देते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी गन्ने का जूस पीने के बाद अभी कुछ किलोमीटर आया गाँव के बाद, कुछ किलोमीटर आया और फिर हाईवे मिल गया और अभी हाईवे से जा रहे हैं। अभी सिर्फ 100 किलोमीटर क्रॉस किए सुबह से, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सिर्फ 100 किलोमीटर क्रॉस किए सिर्फ। अभी देखते हैं आज रात 8-9 बजे तक कितना चला पाएंगे और उससे भी ऊपर चला पाए और पता नहीं आज कहाँ पर है। आज अभी तो दो ही चीज़ है, पुलिस चेक पोस्ट के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, अगर ना मिला तो फिर पेट्रोल पंप। अभी तो यही प्लान है, अभी तो सीधा चल रहे हैं, देखते हैं आगे कितना दूर जाते थे। चलो थोड़ा आगे जाते हैं फिर आगे थोड़ा ज़्यादा मिलते। 6 बज गए और आज अभी भी 250 किलोमीटर में अभी तक क्रॉस नहीं किया और ओ देखो सनराइज हो रहा है, सूरज
बिल्कुल ऑरेंज और क्या ही खूबसूरत लग रहा था। और ये तो छोड़ो, खाना मैंने अभी एक एक जगह रुक के खा लिया था और बाइक को भी रेस दिया था, इसलिए फिर से अभी चला रहे हैं। अभी एक घंटा से चला रहे हैं और हाफ घंटा जा कहीं पर रुकेंगे, रुक के फिर से आधा घंटा मतलब 30 मिनट रेस देंगे और फिर से निकलेंगे। और तब जहाँ पर रुके तब जाके जहाँ पर एक प्लेस मिलेगा वहाँ पर डायरेक्ट जाकर रुकेंगे। 9 बज गए और अभी तक बाइक चला रहे है और बेरली नाम का एक प्लेस में अभी जा रहे हैं और बेरली क्रॉस करके देखते हैं। और आधा घंटा का तरफ अभी और 30 मिनट की तरफ बाइक चलाएंगे, फिर वैसे कोशिश करेंगे कि कोई एक प्लेस ढूंढने और रहने के लिए। और मुरादाबाद क्रॉस कर लिया और अभी से बेरली जाएंगे, बेरली क्रॉस करके एक जगह रुक जाएंगे, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है बेरली क्रॉस करके और कोई एक प्लेस ढूंढते पहले। और डायरेक्टली आप लोगों को प्लेस डायरेक्ट पे जहाँ पर रहेंगे उधर जाकर रहकर आप लोग मिलते हैं। आखिरकार एक पेट्रोल पंप मिला और यहाँ कहा यहाँ पर एक दो पेट्रोल पंप और कहा था वो लोगों का यहाँ नहीं होगा डायरेक्ट। फिर यहाँ पर एक SP का पेट्रोल पंप दिखा और उधर कहा कि पेट्रोल अभी एक साइड में रोक सकते हैं, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप था, कहा रोक लो और क्या, अभी यहाँ पर एक साइड में रुक रहे हैं और अभी कुछ नहीं खाया है, बार खाना में सिर्फ अभी मैगी बनाया है और मैगी ऐसे खरीद देता है बट पता नहीं थोड़ा अलग लग रहा है, पता नहीं नया फ्लेवर आया क्या, मसाला जब मसाला होता है ना वो थोड़ा अलग लगा टेस्ट। और अभी तो खाएंगे खा के फिर देखेंगे, अभी तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं से कल दूसरी वीडियो में दूसरी ब्लॉग में। और कल बात कल तो पहाड़ तो दिख नहीं पाओगे बट पूरा दिन का वो जो लाइफ स्टाइल है 500-700 किलोमीटर बाइक चलाना वो ज़रूर हो जाएगा। आज के बाद इतना ही, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने से कल दूसरी वीडियो में।